उत्तर प्रदेश में पीटी की परीक्षा को लेकर तीन बार सबने देखा कि किस प्रकार अव्यवस्थाओं के बीच परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी पड़ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है जो जिम्मेदार है, वो सरकार हो, शासन हो या फिर प्रशासन, क्या उससे कोई सीख लेता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि अब तक पीटी की तीन बार उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो चुकी है। लाखों लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं। वो परीक्षार्थी इसमें शामिल होते हैं जो नौकरी पाने की आस में पीटी की परीक्षा देने के लिए आते हैं। सबसे गंभीर बात तो यह है कि इसमें पुरुष भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, और उन्हें दूर दराज भेज दिया जाता है। यानी उनका परीक्षा केंद्र जो है वो 200 से लेकर 300 किलोमीटर दूर तक लगाया जाता है। लेकिन आने जाने का इंतज़ाम क्या होना चाहिए और ये कैसे आए जाएंगे, इस पर कवायद तो होती है, बैठकें भी बहुत होती हैं, लेकिन उसका अनुपालन कितना होता है ये तो आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं, जिसमें रोडवेज की बस हो या फिर ट्रेन, कैसे भूसे की तरह भरकर ये परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक जाने को मजबूर है। और साथ ही वो जब वापस अपने घर को लौटते हैं तो वही परेशानियां इन्हें उस समय भी झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे परीक्षार्थियों के साथ हर बार होता है, लेकिन जिम्मेदार कोई सबक नहीं लेते हैं। इस बार भी यही हुआ। और आपको ये भी बता दें कि ये जो परीक्षा है, और जब इन्हें परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचते हैं उस ज़िले को, तो उन्हें जहां रात गुजारनी पड़ती है वो जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। ये रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर रात गुजारते हैं, और उसमें उस समय ना उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है और ना ही सुबह शौच के लिए कोई प्रबंध होता है। ऐसा नहीं कि इन सब का प्रबंध नहीं किया जा सकता है। सभी देखते हैं कि जब भी कोई चुनावी वर्ष होता है, उस दौरान जब चुनावी सभाएं होती हैं, तो क्या कुछ इंतज़ाम नहीं किए जाते हैं, क्या पंडाल नहीं लगाए जाते हैं? और इसके अलावा मोबाइल शौचालय वहां पर नहीं खड़े किए जाते? सीतापुर में 11 नगर पालिकाएं हैं, और आपको बता दें कि इन नगर पालिकाओं में सबके पास मोबाइल शौचालय हैं। रेलवे स्टेशन पर इस बार, यानी सीतापुर जंक्शन पर इस बार हजारों हजार वो छात्र जो गोंडा से, जो सुल्तानपुर से, जो प्रयागराज से, कई जनपदों से परीक्षा देने के लिए आए थे, इनकी संख्या आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंजीकृत तो सीतापुर में करीब 40,000 से ज़्यादा, यानी 45,000 से ज़्यादा छात्र और छात्राएं थीं, यानी परीक्षार्थी थे, लेकिन जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे वो इन सब अव्यवस्थाओं के चलते पहली बार हजारों की तादाद में परीक्षार्थी परीक्षा देने आए ही नहीं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, ये अपने आप में जांच का भी विषय है, इसलिए क्योंकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। यही हाल जब सीतापुर के परीक्षार्थियों को बाहर जाना पड़ा, उसमें क्या बच्चियां और क्या बच्चे जो सीतापुर से मुरादाबाद और बरेली के लिए गए हुए, तो दूरी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूरी कितनी रही होगी। उसमें सीतापुर के भी थे और लखीमपुर जनपद के भी थे, उन्हें मुरादाबाद और बरेली जाना पड़ा। तो ये मिला करके अगर कहें तो 200 से 250 की दूरी उन्हें तय कर वहाँ पहुँचना पड़ा। रात भर खड़े रहकर वाहनों से उन्हें जाना पड़ा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें रात भर खुले आसमान के नीचे रेलवे स्टेशन पर बिताना पड़ा। तो ये पूरी व्यवस्था जो बनानी चाहिए थी, जिसको लेकर तमाम बैठकें भी हुई, लेकिन धरातल पर कितनी उतरी ये हमने आपको कई बार दिखाया भी। और आपको ये भी बता दें कि जो प्रशासन है उसने भी इंतज़ाम किए, उसने भी रैन बसेरा बनाने की बात कही, बस स्टैंड पर एक रैन बसेरा बनाया गया, और भी रैन बसेरा थे, वहाँ जाने के लिए बच्चे तैयार नहीं हुए। क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके सामने, जैसा कि पूर्व में भी रही है, उनको ये नहीं पता था उनके परीक्षा केंद्र कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, बच्चों को ठीक से उन्हें
लोकेशन तक नहीं बताई गई ताकि वो सीधे वहाँ आसानी से पहुँच सकें। वो भटकते रहे, परेशान हो गए। इस दौरान 24 घंटे से ज़्यादा समय उन्हें ना तो खाने को मिला, ना सोने को मिला, ना पीने को मिला, ना नित्य क्रिया के लिए उचित स्थान मिला। तो ऐसी परेशानियों के बीच इन बच्चों को गुजरना पड़ा। और हम जानेंगे कि जब से ये परीक्षा शुरू हुई है, यानी 2021 से 2022 और 2023, प्रत्येक वर्ष में कितने छात्र यानी जो परीक्षार्थी थे पंजीकृत हुए, कितने ने दिया, और कैसे ये परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। तो पहले तो हम आपको सुना देते हैं, ज़रा सुन लीजिए उन परीक्षार्थियों का जो दर्द है उसको मैं सुना देता हूँ, फिर अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा से जानने का प्रयास करेंगे इनके परीक्षार्थियों की संख्या को, और जो परीक्षा देने पहुँचे उसको जानने का प्रयास करेंगे। सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना बच्चों को यहाँ पर बैठने की जरूरत व्यवस्था हो रही है, ना तो लेटने की। बच्चे जो है फुटपाथ पे लेटते हैं, यहाँ पर ढंग से ना भोजन के पानी का इंतजार हो रहा है, ना कुछ सारी व्यवस्था अव्यवस्थित होती जा रही है। इसके खिलाफ जो है प्रशासनिक अधिकारी को कार्रवाई करने की। सर व्यवस्था नहीं है सरकार की, तो सिर्फ सेंटर दे देना चाहिए हम लोगों को। इतनी दूर सुल्तानपुर से गोंडा से भेजे हैं यहाँ, अपने फैजाबाद बगल ही दे देना चाहिए, 40-50 किलोमीटर के आसपास ही। अरे ट्रेन की व्यवस्था कराते, दूरी का कोई मतलब नहीं है, ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई व्यवस्था ही नहीं यहाँ पे। कम करना चाहिए, और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए, उनको इतने परेशानी ना हो पाए। बच्चों का हनन हो रहा है यहाँ पे बस, प्रकार का, क्योंकि देखो सेंटर जो है वो एपेट का सेंटर जो है वो जो है जिला के बगल बनना चाहिए। जैसे हम लोग का गोंडा है, बलरामपुर बना देते, फैजाबाद बना देते, बहराइच बना देते, या सुल्तानपुर बना देते। ये थोड़ी ना है कि 4-5 जिला क्रॉस करके बनाए हैं और उसके बाद में सारी सुविधाएं हम लोगों की बंद कर दी गई, ट्रेन रद्द कर दी गई, जो पैसेंजर चलते हैं यहाँ से बन के गोंडा के लिए स्पेशल, वो कैंसिल कर दी गई। बहुत सारी दिक्कत की कमी ही नहीं है हमारे यूपी में, दिक्कत की कमी ही नहीं है। अब मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि एक वैक्स लड़का जब 21 साल का हो जाए और पुलिस भर्ती आने को हो, पुलिस भर्ती नहीं आ रही है, शिक्षक भर्ती आने को हो, वो नहीं आ रही है, लेखपाल भर्ती बंद पड़ी है, जो पिछली बार हो गई थी वो भी पूरा मतलब फाइनल नहीं हुआ। तो सरकार ने कहीं ना कहीं हम लोगों को बांध रखा है कि रोज़गार हम देंगे नहीं और आपको फंसाए रहेंगे। और बात रही सर वैकेंसी की, वैकेंसी आप 2 ईयर से सर पेट का पेपर लोग दे रहे हैं लेकिन वैकेंसी ना के बराबर आ रही सर। जी मैं कह रहा था कि प्रदेश में देखिए 20 लाख 21 लाख लोगों ने पेट का फॉर्म भरा, कम से कम शून्य के बराबर 10 से 20 हज़ार लेखपाल की भर्ती या हमारे लोग की वन विभाग में भर्ती या BDO ADO की भर्ती होती है, लेकिन अब 20 लाख लोगों में कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाए। माने प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हम अगले साल तक 10 लाख लोगों को रोज़गार देने वाले हैं, लेकिन भाजपा ने केवल ना केवल हम लोगों का वोट लेकर छलावा किया है, इसलिए युवा वर्ग उनसे खासा नाराज है। परीक्षार्थियों नेता हो? नहीं नेता तो नहीं है, लेकिन जब मुझे खाने को नहीं मिला, मैं अपने आँखों के देखा हुआ हाल बता रहा हूँ कि एक भंडारा था, कम से कम 200 बच्चे उसमें खा रहे थे, जिसके पास खाने को होगा वो भंडारे में क्यों खाएगा। आज हम इस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन हर परीक्षार्थी रोज़ गुजरता है। 21 की उम्र में माता पिता को कुछ दे पाना, उनसे मांगना 100-200 और 5,000-4,000 लेना, माने मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे हैं, उनको कम से कम याद रखना चाहिए कि परीक्षार्थी के साथ कैसा सलूट करना चाहिए। यहाँ आने के बाद रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, पहली बात तो साधन की समस्या, और यहाँ पे रुकने की सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब आप रुक करके पेपर नहीं दे सकते। अगर सुबह की मीटिंग है तो रात में चलिए, यहाँ कहीं रहने की ठहरने की व्यवस्था नहीं है। आइए तो यहाँ के टेम्पो वाले 10 का 50, 20 का 30, 40 का 100 ले करके सेंटर पर छोड़ रहे हैं, सेंटर भी यहाँ से स्टेशन से दूर बनाया गया है। यह सारी समस्याएँ यही हैं। समस्या तो बहुत कुछ है, ना बाबा जी कोई नौकरी निकाल रहे हैं, हम सब परेशान हैं, 2-2 दिन से खाना नहीं खाए, ना कहीं बिस्तरा मिल रहा है, ना कोई, सारे ये गवर्नमेंट तो बच्चों को बिल्कुल तबाह कर रही है, युवाओं को बर्बाद कर दे रही है। ये स्थिति अभी बिहार में देखिए, इतनी वैकेंसी निकली, यहाँ ये बाबा कहाँ हैं, सो कहाँ रहे हैं भैया, युवाओं को क्या करें, मर जाएं कहीं हम सब। शासन तो कह रहा था कि स्पेशल बस और स्पेशल ट्रेन चलेगी, स्पेशल बस प्रशासन की सारी झूठ है। सरकार तो कहती है कि महिलाओं के अलग से स्पेशल ट्रेन और बस चलाई जाएगी, तो कहाँ है, दिखाएं तो कम से कम, मिले तो कहाँ है। बिहार के मुकाबले यूपी जो है काफी पिछड़ा हुआ है रोजगार के मामले में, यहाँ सिर्फ दिखावटी है और बच्चों के लिए कुछ नहीं है, आने जाने के लिए काफी दिक्कत है बच्चों को। तो आपने पीटी के परीक्षार्थियों को सुना, अब हम आपको अपने सहयोगी
और प्रियांशु मिश्रा से बताते हैं कि जो वर्षवार आंकड़े हैं पीटी के, जो परीक्षार्थी जो पंजीकृत हुए हैं, जो परीक्षा देने आए हैं, पहले तो वो बताएं, फिर जो इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसको कैसे दूर किया जा सकता था, कम किया जा सकता था, क्योंकि परीक्षार्थी इस बार आक्रोशित होकर गए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को भी खटघरे में खड़ा कर रहे थे और व्यवस्था देखने वालों को भी, उन पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। प्रियांशु बताइए कि 2021 से जो परीक्षा शुरू हुई और 2023 यानी तीन बार ये परीक्षा हो चुकी है, और इस परीक्षा का महत्व क्या है, और फिर ये जो तीन साल में परीक्षा हो रही है, इसमें घटी है संख्या या बढ़ी है, या लोगों में निराशा घर करने लगी है, तो घर जो जो निराशा आ रही वो क्यों आ रही है? सर, सबसे पहले जानकारी दे दें हम अपने दर्शकों को कि ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, या जिसे पेड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाती है। और इसमें जो पहली बार जो भर्ती निकाली गई थी वो समूह गा के जो छात्र हैं, जिसमें क्लरिकल की ज़्यादा भर्तियाँ आती हैं, उनके लिए निकाली गई। लेकिन दोबारा जब अब से संशोधन हुआ तो उसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़ ली गई, समूह बा और समूह गा दोनों के लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो भर्तियां निकलती हैं उनके लिए ये अर्हता परीक्षा पहले ये पास करेंगे, उसके बाद एलिजिबल होंगे उस भर्ती में बैठने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी भर्तियां आती हैं ये भी हम आपको बता दें। तो जैसे क्लर्क हो गया, बाबू जी से कहते हैं, लेखपाल हो गया, ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी हैं, मेडिकल की ANM या GNM है, नर्सिंग से संबंधित जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं। और इस बार जो नया फेरबदल हुआ है, इसमें लोअर PCS भी सर जोड़ लिया गया है, जिसे समीक्षा अधिकारी की जो भर्तियां निकलती हैं सचिवालय में जो बैठते हैं अधिकारी, उनके लिए इसको लोअर PCS भी जोड़ दिया गया। तो सर ये केवल एकमात्र अर्हता परीक्षा है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेच है। अर्हता परीक्षा पास हो जाने की ये गारंटी नहीं है कि सर हम उस परीक्षा में बैठ ही सकेंगे। जब अर्हता परीक्षा जब हो जाती है तो उसमें जो अभ्यर्थियों को मार्क्स मिलते हैं या नंबर मिलते हैं, उसके बाद जैसे लेखपाल की भर्ती सर निकाली तो उसमें भी एक कट ऑफ तय होता है कि 62 या 63% वाले बच्चे ही लेखपाल की भर्ती में बैठ सकेंगे, तो उसमें भी छटनी शुरू हो जाती है। तो लड़ाई सर लंबी है, पहले तो पेट परीक्षा पास करें, पास करने के बाद उन्हें हाईएस्ट मार्क्स भी लाने हैं, इस बात का भी सर ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आपको सर बता देते हैं कि ये जो 2021 से योगी सरकार बनने के बाद जो ये लागू किया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का कॉन्सेप्ट, 2021, 22 और 23 के वर्षवार आंकड़े बताते हैं सर। तो सर 2021 की बात करें तो पहली बार 20,72,903 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया परीक्षा के लिए, जिसमें से भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने रुचि ली और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। 17,99,052 बच्चे परीक्षा में बैठे, तो ये काफी लंबा आंकड़ा है। और केवल परीक्षा जिन्होंने छोड़ी वो 2,73,851 बच्चों ने, वो भी उसमें ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनका किसी भर्ती में हो जाता है या कोई बाहर पढ़ने चला गया, ऐसे अभ्यर्थी, तो पहली बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दूसरी अगर बात करें हम 2022 की, तो बच्चों में ये एक उम्मीद जगी थी कि इस परीक्षा के बाद धड़ाधड़ भर्तियां निकलेंगी सर, तो दूसरी बार 37,58,209 बच्चे पंजीकृत हुए, मतलब रिकॉर्ड तोड़ इसमें आवेदन हुए, और 25,11,968 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लेकिन इसमें जो छोड़ी है परीक्षा वो चिंताजनक है, 12,46,241 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। ये सर दो साल के आंकड़े, और तीसरे साल का आंकड़े आप जब सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। 2023 में मात्र 20,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने केवल पंजीकरण कराया, तो साफ तौर पर कह सकते हैं पिछले साल से करीब आधे बच्चों ने कम पंजीकरण कराया, और करीब 13,00,000 बच्चों ने परीक्षा दी केवल, और 7,00,000 से अधिक बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। अब सर एक हम अहम जानकारी दे दें कि इन चार सालों में भर्तियां निकली कितनी सर, तो सबसे अगर हम कहें तो तीन सालों में सर महज केवल चार भर्तियां महत्वपूर्ण निकली हैं, जिसमें एक नर्सिंग की ANM GNM की भर्ती निकली है, एक लेखपाल की भर्ती निकली है, एक ग्राम पंचायत अधिकारी और एक ग्राम विकास अधिकारी, और एक वन विभाग की जो भर्ती है सर उसकी निकली है। तो सर तीन साल में महज चार भर्तियां निकली हैं, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में यह निराशा जरूर आई है कि हम अपनी जान हथेली पर जाके परीक्षा केंद्रों पर जाते हैं, पेपर को बीट करते हैं, उसके बाद जब बैठने का मौका मिलता है तो हमें परीक्षा में बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। तो अब हम सर आपको बता दें कि ये जो अंतर आया है कि क्यों बच्चे कम आवेदन कर रहे हैं और कम पहुंच रहे हैं। तो सर पहली बार जो 2021 में परीक्षा हुई थी उसमें परीक्षा केंद्र जो बनाए गए थे
सीतापुर के बच्चों का सेंटर जो था लखीमपुर, मात्र 45 किलोमीटर लखीमपुर के बच्चों का सेंटर सीतापुर। ऐसे ही अगर हम बात करें सर शाहजहांपुर के बच्चों का, तो बरेली चला गया, बरेली के बच्चों का शाहजहांपुर आ गया। तो सर वो जो 60-70 किलोमीटर का अंतर होता है वो मायने नहीं रखता है, वो रीच में होता है, बच्चे हेलमेट लगा के बाइक से भी पहुंच जाते हैं। दोबारा सर जब 2022 में परीक्षा हुई, बड़ी संख्या में आवेदन हुए, 37.5 लाख बच्चों ने आवेदन किए, लेकिन जो सर परीक्षा केंद्र बनाए गए वो आप समझ लीजिए अर्हता परीक्षा के लिए, सीतापुर के बच्चों का परीक्षा केंद्र पश्चिम यूपी, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, ठीक है, और जहां तक कि पूर्वांचल की बात करें जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज के और श्रावस्ती तक के बच्चों का सर सीतापुर सेंटर आया। तो सर जान हथेली पे सर डाल के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे थे उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा, या कई बच्चों की ट्रेन भी छूट गई। पिछली बार हमने आई इंडिया पे प्रमुखता से इसे दिखाया भी था कि कई बच्चों की ट्रेन भी छूट गई, उन्होंने परीक्षा छोड़ दी। तो साफ कह सकते हैं जो परीक्षा केंद्र दूर बनाए गए हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। और परीक्षार्थियों के सामने सबसे बड़ी सर ये लड़ाई है, परीक्षा से पहले उन्हें एक लंबी लड़ाई ये लड़नी पड़ती है कि कैसे हम सर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, क्योंकि सरकार को पहले से सब पता होता है कि इस तारीख में परीक्षा है। जैसे इस बार जो परीक्षा आयोजित हुई है, सरकार को पहले से पता था कि 27-28 अक्टूबर को परीक्षा है पेट की, और पर्याप्त व्यवस्था, अतिरिक्त बसें भी लगाई जा सकती हैं, ट्रेनों में भी पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे साल का जो आंकड़ा देखें 2023, इसका भी सर यही हाल है, 20 लाख से अधिक बच्चों ने पंजीकरण कराया, 13 लाख से अधिक बच्चों ने केवल परीक्षा दी, करीब 13 लाख, और 7 लाख ने छोड़ दी। इस बार भी जो सर परीक्षा केंद्र गए, सीतापुर के जो परीक्षा केंद्र गए हैं, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, मतलब दिल्ली के बॉर्डर तक आपको पहुंचा दिया गया, तो किस तरह से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा बच्चे देंगे, जबकि ये कोई नौकरी की गारंटी भी नहीं है। और अभ्यर्थियों को ये भी सर नहीं पता है कि वो अब 3 साल में जब सर 4 भर्ती निकली हैं, तो आगे आने वाले वर्षों में क्या भर्तियां निकलेंगी, तो एक सरकार के ऊपर से विश्वास भी उठ रहा है, जो सरकार की मंशा पर एक चुनाव प्रश्न चिन्ह भी सर खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा कर रहा है, दरअसल पीटी की जो परीक्षा है वो 1 साल के लिए ही अनुमन्य होती है, प्रत्येक वर्ष इसे देना होता है, और 3 साल से बच्चे ये देते आ रहे हैं, यानी परीक्षार्थी इस परीक्षा को देते आ रहे हैं, और तमाम परीक्षार्थियों से जो बातचीत की गई उनके मुताबिक ये कहना है कि कोई भी जब जगह नहीं निकालेंगे तो उनकी परीक्षा का मतलब क्या है। हालांकि वो उम्मीदों में रहते हैं, इस बार जो उनकी उम्मीद बंधी, दरअसल चुनावी वर्ष है, और ऐसे में ये माना जा रहा था कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले केंद्र और प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में कम से कम जगह निकालेगी। बहुत सारे बच्चों से बातचीत की गई, वो इस कदर आक्रोशित थे कि बिहार को अच्छा बता रहे थे और उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, और सवाल खड़े करना भी लाजमी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां 20 लाख बच्चों को परीक्षा देनी हो और 7 लाख बच्चे परीक्षा में भाग न ले। बहुत सारे बच्चे इस बार ये भी कह रहे थे कि वो आ नहीं पाए, संसाधन नहीं थे। उनका कहना था स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बस चलाने की बातें हुई, कुछ चलाई भी गई होंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो समय पर जिन्हें पहुंचना था उनके लिए कोई संसाधन नहीं था, बच्चे और बच्चियों को भूसे की तरह आना जाना पड़ा, तो बहुत सारे साहस नहीं जुटा पाए ऐसे माहौल में जाने के लिए, आने के लिए उन्हें परीक्षा छोड़ देनी पड़ी। ये बड़ी विडंबना है, और हमने आपको बताया कि बहुत सारी अव्यवस्थाओं को सरकार, प्रशासन, शासन कम कर सकता था। इन बच्चों ने जो आक्रोश जताया है वो आक्रोश को भी कम किया जा सकता था, बशर्ते उन्हें इंतजाम करने की आवश्यकता थी, उनके ठहरने की, यानी परीक्षार्थियों के साथ ही उनके खान पान की अगर हो जाती, और जो वाजिब पैसा होता, बच्चों का कहना था जिसको मौका मिला उन्होंने उनसे लूट की, यानी जो किराया था वो भी ज़्यादा लिया गया, जो खाने की वस्तुएं थी वो भी अधिक पैसे में उन्हें खरीदनी पड़ी। तो एक तो वो संघर्ष कर रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, साल दर साल पीटी परीक्षा देते आ रहे हैं और नौकरी का कोई पता नहीं है, दूसरे इस तरीके से जो आर्थिक उन पर बे पड़ रहा है ये भी कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी का कारण आया। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार खुले में शौच न जाए कोई इसके तमाम प्रबंध करती है, तमाम शौचालय बनाती है, उसी सरकार में आप कामना करिए कि हजारों हजार की संख्या में परीक्षार्थी
रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर हुए हों, वो शौचालय कहाँ, वो शौच कहाँ गए, खुले में नहीं शौच गए होंगे तो कहाँ जाएंगे, और वो बच्चियाँ कहाँ गई होंगी, ये तो सोचने की बात है। और इन सब को कम किया जा सकता था। हमने आपको पहले भी बताया कि सीतापुर में 11 नगर पालिकाएं हैं, संयुक्त रूप से अगर प्रयास किया जाता उनके लिए तो मोबाइल शौचालय का प्रबंध अगर कर दिया गया होता तो ये नौबत ना आती। इस कदर पीटी की परीक्षा देने के लिए इन्हें परेशान होना पड़ रहा है। कोई सुझाव लास्ट में? जी सर, हम एक अहम जानकारी देना चाहेंगे कि सर जो बीएड या जो बीटीसी बच्चे किए हुए हैं अभ्यर्थी, उनके लिए सर एक परीक्षा आयोजित कराई जाती थी टेट और सीटेट, तो सर सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसकी जो वैधता है वो आजीवन कर दी है। तो सर जब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो बच्चों को बार बार वही प्रक्रिया बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? टेट की तरह, सीटेट की तरह पेट को भी अगर आजीवन कर दे तो बच्चों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और वो जो अपनी ताकत है अपनी तैयारियों में लगाएंगे आगे भविष्य बनाने में। दूसरे सर एक अहम सुझाव और देना चाहेंगे, सर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, हर साल कहती है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, पूरा प्रशासन उसमें लगता है और नकल विहीन परीक्षाएं कराई भी जाती हैं, वो हमने हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में देखा भी। तो सर जब ये केवल अर्हता परीक्षा है तो अगर होम सेंटर भी बच्चे का होता है और सरकार को अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर और अपनी कार्यशैली पर पूरा विश्वास है तो सीतापुर में भी नकल विहीन परीक्षाएं सर आयोजित कराई जा सकती हैं, गृह जनपद में भी नकल विहीन परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं, क्योंकि जो यहाँ के सर हाईस्कूल और इंटर के परीक्षार्थी होते हैं वो तो सर सीतापुर के ही होते हैं ना। तो अगर सीतापुर का बच्चा सीतापुर में परीक्षा देगा और सरकार की मंशा साफ है कि हम किसी तरह से कोई गड़बड़ी या नकल नहीं होने देंगे तो वो भी आराम से आयोजित हो सकती है। और पहली जो पेट परीक्षा है सर उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस हिसाब से अभ्यर्थियों ने भाग लिया था उनकी उपस्थिति रही थी। सीतापुर का अगर सेंटर लखीमपुर में गया है तो हर बच्चा लगभग परीक्षा देने गया है। और सर रही बात अगर बिहार की, तो बिहार में अभी सर अभी हाल ही में सर करीब 1,00,000 से अधिक ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है और वहाँ के जो शिक्षा मित्र हैं उनका भी वेतन नीतीश सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के शिक्षा मित्र अभी कुछ दिन पहले ही आंदोलनरत थे, उन्हें मात्र 10,000 रुपये दिया जा रहा है। वहाँ पे बिहार में जो जानकारी मिली है करीब 17,000 रुपये उनका वेतन कर दिया गया है। तो अभी ये यूपी में नहीं हो पाया है और लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षा विभाग में भर्तियों की जो अभ्यर्थी, वो भी नहीं हो पा रहे। तो सर ये टेट और सीटेट और टेट पास करके बच्चे अगर पास भी कर लें और उसको क्वालिफाई भी कर लें और भर्ती ना निकले तो सर इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही कहा, और ये मांग भी उठ रही थी और खासकर लड़कियों की तरफ से, पुरुष भी उठा रहे थे जो परीक्षार्थी थे, कि बेटियों को कम से कम उनके होम डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर लगाए होते तो उन्हें इस तरीके की मुसीबतों का सामना न करना पड़ता। और फिर रही विश्वास की बात, अब तीसरी आँख की नज़र है, सब कहीं सारे जो परीक्षा केंद्र हैं वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं, और ऐसे में जब नकल विहीन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिन पर है वो अगर सकुशल संपन्न करा लें अपने ही जनपद में तो परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़े और जो उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वो शायद ना करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि एक अर्निंग, सरकार को एक लाभ भी मिलता है, कहीं ना कहीं रोडवेज पर जब बच्चे सवार होकर जाते हैं तो किराए के रूप में मिलता है, ट्रेनों पर जब सवार होकर जाते हैं तो वो किराए के रूप में मिलता है, और स्थानीय जो व्हीकल होती हैं, स्थानीय जो टैक्सी चलती हैं उनको लाभ होता है। तो इस लाभ तो होता है लेकिन इसमें कटता कौन है, परेशान कौन होता है? वो परीक्षार्थी जो अपने भविष्य को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सहूलियत प्रदान करने की आवश्यकता है सरकार की तरफ से, उन्हें सहारा दिए जाने की आवश्यकता है सरकार की तरफ से, न कि परेशानी दिए जाने जो दी गई है इस प्रकार की परेशानी उनको नहीं दी जानी चाहिए, और जो उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है वो नहीं पढ़ना चाहिए। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि 3 बार की पीटी परीक्षा हो चुकी है और अब तक जो खामियां सामने आई हैं, जो दिक्कतें सामने आई हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए जिम्मेदार इससे जरूर सबक लेंगे और आगे जब भी ये परीक्षा होगी इस प्रकार की अव्यवस्था, इस प्रकार की परेशानी उन बच्चों और बच्चियों को नहीं उठानी पड़ेगी। तो प्रियांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस संवाद के लिए, आपने बहुत अहम जानकारी दी। और दर्शकों से फिर एक बार मेरा ये कहना है कि पेट से संबंधित तमाम खबरों को इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, और हाँ बस आपका लाइक कमेंट ज़रूर बनता है, और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।